महकमा सेहत पंजाब ने रेस्टोरेंट्स के बाहर आउटडोर डाइनिंग 24 मई से शुरू करने की इजाज़त देने पर एनसीओसी के फैसले की मुखालिफत कर दी है। महकमा सेहत पंजाब की 8% से ज्यादा शराब वाले शहरों में 30 मई तक रेस्टोरेंट्स के बाहर आउटडोर और इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी रखने की सिफारिशात कर दी गई हैं। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से रेस्टोरेंट्स के बाहर आउटडोर डाइनिंग 24 मई से शुरू करने की इजाज़त देने पर एनसीओसी के फैसले की मुखालिफत कर दी गई है। महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि पंजाब की 8% से ज्यादा शराब वाले शहरों में 30 मई तक रेस्टोरेंट्स के बाहर आउटडोर और इंडोर पर पाबंदी रखने की सिफारिशात पेश की गई हैं। अपडेट्स देंगे अली रामे से। अली रामे बताइएगा, महकमा सेहत की जानिब से तो कहा जा रहा है इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं दी जाए, क्या फैसला होगा? जी बिल्कुल, आज क्योंकि महकमा सेहत पंजाब ने हमको पंजाब को आगाह किया है और ख़ासतौर पर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से भी, और जहाँ जहाँ पे रेशो अभी तक 10% से ज्यादा, उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। और इसमें कुछ तजाद ये सामने आया कि एनसीओसी ने क्योंकि कल ऐलान किया था कि 24 मई से आउटडोर डाइनिंग जो है उसकी इजाज़त दी जाएगी रेस्टोरेंट के बाहर, और जिम जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन इन दो फैसलों के ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो महकमा सेहत पंजाब, उन्होंने कुछ मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की हैं। अब महकमा सेहत की तरफ से जो सिफारिशात दी गई हैं वो ये कहा गया है कि रेस्टोरेंट के बाहर 30 मई तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त जो है वो ना दी जाए, जो पहले फैसला किया गया था उसी को बरकरार रखा जाए। और इसमें 30 मई तक महकमा सेहत पंजाब ने सिफारिशात की है कि रेस्टोरेंट के बाहर आउटडोर डाइनिंग जो है उसकी इजाज़त ना दी जाए, और इसके साथ ही जो जिम है उनको 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। तब इस पर महकमा सेहत पंजाब ने यह भी कहा है कि मुख्तलिफ ऐसे शहर हैं जहाँ पर 10% से ज्यादा कोरोना केसेस की शरह अभी तक बरकरार है, लिहाजा उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सिफारिशात जो है वो मंजूर की जाए। क्योंकि एनसीओसी की सिफारिशात तो ये है कि 24 मई से आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी जाए, लेकिन महकमा सेहत पंजाब इन सिफारिशात को मानने से इनकार कर रहा है, और उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशात आज कैबिनेट कमेटी बनाए सादे कोरोना को पेश की है, जिसमें फैसला अब किया जाएगा या वो सिफारिशात जो है वो एनसीओसी को भेजी जाएंगी कि लाहौर पंजाब के अंदर लाहौर समेत सूबा भर के मुख्तलिफ जैसे शहर जहाँ पर 8% से ज्यादा शहर है वहाँ पर जो आउटडोर डाइनिंग की इजाजत है वो ना दी जाए, अभी तक उसको 30 मई तक उसको बंद रखा जाए। तो ये वो सिफारिशात है जो कि पंजाब हुकूमत को आज पेश की गई, और साथ इसमें एक अहम सिफारिशात ये भी थी कि आइंदा आने वाले हफ्तों में कोरोना केसेस के जो बढ़ाव है वो मजीद बढ़ सकता है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो भी मुमकिन तौर पर लगाया जा सकता है। लेकिन उसमें देखना ये होगा कि किन किन शहरों में केसेस के कोरोना के केसेस की शरह जो है वो बढ़ती है, क्योंकि अब मुख्तलिफ ऐसे शहर है जहाँ पे कोरोना के केसेस की शरह 44% तक पहुंच चुके हैं, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं। लेकिन लाहौर जो है उनकी शरह जो है वो मजीद अब कम होती जा रही है, लेकिन अब इसी को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। इस पर महकमा सेहत ने ये रिकमेंडेशन जो है वो पंजाब हुकूमत को आज पेश किए, लेकिन उसका अभी तो फैसला नहीं होगा, लेकिन देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस की शरह क्या रहती है। लेकिन जो आउटडोर डाइनिंग की हवाले से जो फैसला किया गया वो यही सिफारिशात है कि उस पर अभी तक 30 मई तक पाबंदी जो है बरकरार रखी जाए। ठीक है, अली रामे बहुत शुक्रिया आपका।